फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे सामने एक इलेक्ट्रिक मीटर रखा हुआ है। तो ये कोई हेडल का, पावर हाउस का, वापला का कोई मीटर नहीं है। ये एक बाजार में मिलने वाला सब मीटर है जो कि डिजिटल है। तो इस मीटर की मदद से आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने बिजली के बिल में कमी ला सकते हैं। जैसा कि आजकल ज्यादातर लोग इस बात से परेशान है कि वो थोड़ा बहुत लोड चलाते हैं लेकिन बिल बहुत ज्यादा आता है, और बढ़ते हुए बिल की वजह से बहुत सारी चीजें घर की नहीं चला सकते हैं। तो इसके लिए आज का वीडियो हमारा बहुत खास है, ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो। इस वीडियो में हम आपको ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जिससे कि आपको अपने बिजली के बिल को कम करने में मदद मिलेगी और आपका बिजली का बिल काफी कम हो जाएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। ये सबसे खास बात, हमें जो इस बात का ध्यान रखना है, इसमें आपको दो वायर लगे हुए दिखाई पड़ रहे हैं जैसे कि हेडल से आते हैं, मेन लाइन जो सप्लाई आती है, केबल लगा हुआ होता है रेड और ब्लैक, यानी फेस और न्यूट्रल। हमें इसमें किसी तरह की कोई काटछाट नहीं करनी, मीटर में किसी तरह की कोई भी छिड़कानी नहीं करनी है। अगर हम मीटर में किसी भी किस्म की कोई छिड़कानी करते हैं तो वो बिजली की चोरी में आता है, जो कि गलत है, हमें वो बिल्कुल नहीं करना है। तो अब आपको बताते हैं हमें क्या करना होगा। ये देखिए, आपको मीटर की सहायता से थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। ये देखिए इस साइड तो ये हेडल का करंट आ गया जो कि यहाँ से केबल हम लगाएंगे, और दूसरी साइड से करंट ये घर के अंदर बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो हमें दोनों तरफ किसी भी वायर में कोई कट नहीं लगाना है, कोई कटिंग नहीं करनी, कोई कुछ भी छिड़खानी नहीं करनी है इसमें, और इसकी सील वगैरह बिल्कुल जैसी है वैसी रहने देंगे। मीटर की सील को हम नहीं छेड़ेंगे। अब हमें करना क्या होगा, देखिए, हम इसके लिए कैपेसिटर यूज करेंगे। देखिए, एक कैपेसिटर है बाजार में, बहुत ही आसानी से मिल जाता है, 15-20 रुपए के बीच में आराम से मिल जाता है। इसे कैपेसिटर को हम यूज करेंगे, और कैसे यूज करेंगे इसके लिए आपको बता दें, घर में दो तरह के लोड यूज होते हैं, एक तो इंडक्टिव लोड और एक रेजिस्टिव लोड। रेजिस्टिव लोड में आपका बल्ब, हीटर, गीजर, ब्लोअर, ये सारी चीजें आती हैं, तो उस पर ये कैपेसिटर वर्क नहीं करेगा। और जो इंडक्टिव लोड होता है, जैसे इंडक्टिव लोड में आपका एसी हो गया, कूलर हो गया, फैन हो गया, पानी का पंप हो गया, सबमर्सिबल पंप, और इस तरह की जो भी चीजें हैं तो इंडक्टिव लोड में आती है, उस पर ये कैपेसिटर वर्क करेगा। तो जब भी हम इंडक्टिव लोड चलाएं अपने घर पर, जैसे एसी, फ्रिज या कूलर वगैरह, तो हम कैपेसिटर मेन लाइन में दोनों वायर्स के किसी भी सॉकेट में लगा देंगे। बताते हैं कैसे लगाना है। इसमें हम कैपेसिटर के दोनों वायर लगा देंगे और स्विच ऑन कर देंगे। ऐसा तब करेंगे जब हम एसी वगैरह चला रहे होंगे। मान लीजिए हम लोड नहीं चला रहे हैं और कैपेसिटर लगाएंगे, तो उससे बिल और बढ़ने के चांस रहेंगे। तो ध्यान रखेंगे, जब लोड चल रहा होगा उसी कंडीशन में हम ये कैपेसिटर लगाएंगे। इससे होता यह है कि पावर फैक्टर ये सुधार देता है और आपका बिजली का बिल काफी कम हो जाता है, यानी मीटर थोड़ा स्लो चलना शुरू हो जाता है। तो आपको ये भी बताएंगे कि कितने लोड पर कितनी कैपेसिटी का कैपेसिटर आपको लगाना है। तो उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे, और इसे आप अप्लाई कीजिए और फिर हमें कमेंट करके बताइए कि आपके बिजली के बिल में कितनी कमी हुई,